हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा बताने जा रहे हैं, जिनका भी सेक्स टाइम बहुत कम है उनके लिए बहुत ही ढांसु नुस्खा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा ताकि कुछ भी पूछने की ज़रूरत ना पड़े। और दोस्तों, आप लोग वीडियो देख करके चल देते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आपके लाइक करने से कोई हमको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। और अपने किसी भी एक फ्रेंड को वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया करें, आपका एक शेयर किसी का भी भला कर सकता है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों चलिए चलते हैं नुस्खे की तरफ। लेकिन जिन लोगों ने 10 साल 20 साल से हस्तमैथुन किया है, उन लोगों को ये नुस्खा काम नहीं करेगा, ठीक है। और उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई हस्तमैथुन करना छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि ये बंदर का घाव होता ना, वो नासूर जिसको कहते हैं, ठीक है, तो नासूर बंदर को हो जाता है, उसको खुजाता है, ठीक है। खुजाते 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 वो बहुत अच्छा लगता है उसको, ठीक है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि वही चल करके आगे जो है उसकी जान ले लेगा। तो यही आपका हाल है। हस्तमैथुन करने में तो खूब मज़ा आता है ना, लेकिन ये नहीं जान रहे हो कि अपने लिए आप कुआं खोद रहे हो, तालाब खोद रहे हो, ठीक है। तो इसलिए जो है आप हस्तमैथुन ना करें, ठीक है। और अगर आपने किया है, कर दिया है, तो हमको तो पता ही है और आपको पता होगा कि आप के साथ क्या हुआ है। लिंग एकदम ढीला पड़ गया होगा, या तो एकदम जीरो हो गया होगा, खड़ा ही नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो ज़रूरत है आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट की, किसी भी घरेलू नुस्खे की पछड़े में ना पड़े। आप किसी डॉक्टर से जो है आप उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट लें, ठीक है। और अगर हमारे यहाँ से दवा का ऑर्डर करना है तो उसका प्रोसेस जो है आपको लास्ट में बताएंगे। चलिए अभी नुस्खे की तरफ चलते हैं, आपको क्या करना है। जिन लोगों का नॉर्मली सेक्स प्रॉब्लम है, सेक्स टाइम कम है, या जो है लिंग में ढीलापन रहता है, बॉडी पूरी तंदुरुस्त है, कोई गलती नहीं की है, तो उनके लिए हम नुस्खा बता रहे हैं। इस नुस्खे का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा 101% पक्का होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, विधारा आती है, एक जड़ी बूटी विधारा है, 100 ग्राम विधारा ले आएं और इसको जो है कूट पीस कर पाउडर कर लें, और इसमें लगभग 50 ग्राम गुड़ ले लें, और मतलब एक माजून टाइप, चमनप्राश टाइप बन सके उतना शहद इसमें डालें, और शहद जो है शुद्ध होना चाहिए, एकदम प्योर छत्ते वाला शहद होना चाहिए। इसको जब तीनों को एक में मिक्स करेंगे तो ये एक चमनप्राश की तरह बन जाएगा, ठीक है। ये दवा आपका रेडी हो गया, इसको किसी कांच के बर्तन में रखें, ठीक है। अब इसको जो है आपको लेना कैसे है, रात में आधा चम्मच एक गिलास दूध के साथ में सेक्स करने से आधे घंटे पहले इसको लें, या एक घंटे पहले लें। दोस्तों ये देसी बिगोरा है जो कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करता है, और आपका सेक्स टाइम कम से कम अगर एक मिनट भी नहीं होगा तो 15 मिनट पक्का हो जाएगा, ठीक है। इतना जो है पावरफुल नुस्खा है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको शेयर किया। और दोस्तों अगर किसी को जो है दवा मंगाना है हमारे यहाँ से, बहुत ज़्यादा गलती कर दिए हैं, तो वीडियो में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर आप हमको मैसेज करके दवा का ऑर्डर कर सकते हैं। फ़ायदा 101% होगा, ये पक्का है, शुद्ध आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की दवा है। चाहे आपके पास कितना भी बड़ा सेक्स प्रॉब्लम हो, चाहे 10 साल 20 साल हस्तमैथुन किए हैं, लिंग टेढ़ा छोटा पतला हो गया है, या शादी के 10 साल 20 साल हो गए हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, प्रॉब्लम चाहे हस्बैंड में है, वाइफ में है, तो इस नंबर पर तुरंत जो है हमको मैसेज करें, दवा का ऑर्डर करें। फ़ायदा 101% होगा, ये पक्का है, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर तरह की आयुर्वेदिक जानकारी आपको मिलती रहे। कोई जानकारी लेना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू।